नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंडी न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के रनिया से देख रहे हैं। यहाँ पर ड्राइवरों ने आज सवेरे से ही नए साल में सवेरे से ही चक्का जाम लगा दिया है। ये नेशनल हाईवे जो कानपुर दिल्ली हाईवे है, वहाँ पर रनिया कस्बा पड़ता है, कानपुर देहात का थाना है। अकबरपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी पर ये जाम लगा हुआ है। सवेरे से ही जाम लगा दिया है, पुलिस प्रशासन ने जाम को खुलवाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। फिर वहाँ पर कुछ और अधिकारी आए, उन लोगों ने जाम खुलवाया। उसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वहाँ से ड्राइवरों ने गाड़ियों को थोड़ा आगे ले जाकर फिर से जाम लगा दिया। ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये कानपुर देहात के रनिया से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। यहाँ पर काफ़ी देर से, लगभग 4-5 घंटे से जाम लगा हुआ है। ये जो केंद्र सरकार के द्वारा जो ड्राइवरों को 10 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया था, उसी को लेकर के ड्राइवरों में आक्रोश है और पूरे भारत में जगह जगह हड़ताल की जा रही हैं। झांसी में भी आज बसों का संचालन बस वालों ने बंद कर दिया था। कल जालौन ज़िले के, उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में भी करीब 2-3 घंटे जोलीपुर मोड़ के पास जाम रहा और परसों कानपुर देहात के नबीपुर जैनपुर में भी जाम लगाया गया था। ये लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं। इतना कोहरा और ठंड होने के बावजूद भी ड्राइवर सड़क पर जमे हुए, अपने ट्रकों को खड़ा किए हुए हैं और जाम लगाए हुए हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं बिल वापस लेने के लिए अनुरोध कर रहे हैं और जाम लगाया जा रहा है। अब आने वाले समय में देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। बहरहाल अब बुंदेलखंडी न्यूज के माध्यम से लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के और रनिया से लाइव तस्वीरें चल रही है। नेशनल हाईवे कानपुर दिल्ली वाली नेशनल हाईवे पर जाम लगा हुआ है, ड्राइवर काफ़ी आक्रोशित हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, वहाँ पर कुछ हाइड्रा भी लगे हुए हैं और ट्रक आड़े तरीके करके लगा दिया। पूरा रोड ब्लॉक है, कहीं से निकलने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहां सवेरे 7 बजे से ही लगभग जाम लगा दिया गया था। 1-2.5 घंटे बाद प्रशासन ने जाम खुलवाया तो गाड़ियां बढ़ावा दी गई वहां से और आगे चल के दोबारा जाम लग गया। अभी लगभग 12 बज रहे, अभी जाम वर्तमान समय में वहाँ पर लगा हुआ है। एक सेकंड हो गया जो तंग राम ने दाल को भेज दें जो रनिया ये हम ना।